इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी, नौगांव वालों की पावन स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती नथी बाई जी जैन, विंध्या इंजी रेवा की ओर से पुत्र एवं पुत्र वधु श्री त्रिलोक चंद्र जैन, श्रीमती रानी जी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता जैन, श्री प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री संजीव जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री राजीव, श्रीमती साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन। फर्म विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस सेवा, ब्रांच ऑफ विंध्या इंजीनियरिंग को सतना, विंध्या इंजीनियरिंग सर्विस इंदौर। ऐसे बढ़ा दिया और वहां पर कहा गया, अरे वहां पर तो आपके लिए तैयार हैं 21 माला, माला भेजने की नहीं 21 मंजिल का खड़ा है, आरती लेकर के खड़े हैं, आपको उधर चलना है, यह आपका टिकट बताता है यहाँ पर रहने योग्य नहीं है, चलो। अब उसके लिए कोई भी दिशा बताने की आवश्यकता नहीं, उस आयु कर्म के साथ गति नाम कर्म का भी बंध अनिवार्य होता है, उस पेतुल के साथ गति जो है उसी ओर चला जाता है, तिरंज गति हो करके भी, एकेंद्रीय हो, द्विंद्रीय हो, तीन इंद्रिय हो, चौरेंद्रीय हो, पंचेंद्रीय हो, और इस प्रकार उनमें भी कई प्रकार प्रकार होते चले गए, वो चला जाता, किसी को मालूम नहीं रहता कि फलाना सेठ वहाँ से यहाँ आए, यहाँ से वहाँ जाना है, यहाँ का आपका जो कोई भी खजाना है, कहीं जाना नहीं आना नहीं, आप भले ही चले जाओ वहीं पर सुरक्षित रहेगा, और आप यदि मान लो आपका उसमें भाग्य नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा और दूसरे को वह उपलब्ध होगा। इस प्रकार यह बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण संसार की यात्रा है आप करते आ रहे हो, धन्य हो आप, निर्भीक होकर के ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कभी कभी अकेले बैठ करके रोते भी होंगे, हैं? किसी को बताते नहीं, हाँ देते रहते, किसी को बताते नहीं, वो बताने की चीज़ भी नहीं है। कभी कभी आप लोगों में से या किसी से भजन हम सुन लेते हैं तो वह पिंजड़े के पंछी तेरे दर्द न जाने कोई, तो वह दूसरे जाने या न जाने, लेकिन स्वयं को तो जानना चाहिए ना, स्वयं की दुख को आप नहीं देखते हो, नहीं जानते हो, इसलिए हमें सोचना पड़ता है, दूसरे के दुख की बात तो कर रहे हो आप, स्वयं के दुख के बारे में भी आचार्यों ने कहा उपाय विचय धर्म ध्यान, ये काय के लिए है, किताब लिख लिख करके रखे हो अलमारी में, अलमारी में क्या एक एक दिन में अष्टमी चतुर्दशी के दिन कुमकुम हल्दी ये लगाते नमोस्तु करते हैं, बस कर्तव्य हो गया, गलत बात। जब तक आयु है तब तक आयु के साथ गति चलती है, जब तक गति चलती है तब तक इस शरीर के योग्य राशन भी आना जाना होता है, तो स्पर्श जो है उसमें 8 भेद होते हैं, उसमें कभी मृदु कभी कठोर,
और कभी शीत, कभी उष्ण, कभी भारी, कभी हल्का, आदि आदि उसके प्रकारांतर भेद होते हैं। और आप उसका विपरीत यदि चल रहा है आपका, तो उसके विपरीत कभी भी राशन नहीं मिल सकता और वह नहीं खड़ा हो सकता। कितने भी खा लो, कितने भी पी लो, वृद्धों को जा कर के पूछो अपने अपने जीवन में कुछ खाया पिया क्या है क्या नहीं। हाँ क्यों नहीं, बहुत खाया है, लेकिन आज ये गाल क्यों भीतर पहुंच रहे हैं? आपके ये गुरुजी के पास मैं गया ही था ब्रह्मचर्य अवस्था में, एक ने भजन बोला तो पूलिया सब ढल जासी, पूलिया सब ढल, पूलिया का मतलब ये सब ढल जाएंगे, भीतर की ओर पहुंच जाएंगे। अब वह तो आपका चित्र तो था ही नहीं, अब आप कोई भी विदेशी कैमरे के माध्यम से अपने आप के फोटो को किसी को दिखाना नहीं, ले लो फिर देख लो ये मैं ही हूँ क्या, मेरे भेष में कोई और दूसरा आया, क्या विचित्रता है बताओ ना। इन सब रहस्यों के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा समझ निकाल करके सोचना है, पढ़ना है, पूछना है, फिर ज़्यादा चिंता नहीं करना। ये होना है तो हो करके ही रहेगा। कल जो है आप आ जाते हैं यहाँ पर सही बैठ नहीं पाते, नहीं समझे, ऐसी गर्मी थी इस शताब्दी की वह ये वन, किंतु वह शाम हुई और एक हवा का झोंका आ गया, हमने सोचा कि पक्का है इसमें से दूसरा और कोई पर्याय निकलने वाली है, ऐसा ही हुआ। 8-10 बजे तक 11 बजे तक ऐसा तैयार हो गया, ऐसा तैयार हो गया, जवान भी हिल गए। अरे बाजा बज रही थी और करंट की व्यवस्था थी, दोनों थे, और बड़े बड़े बारात जैसे चलते उठते ऐसे काले काले और घने एक साथ। अब कितने क्या पड़ने वाला है पता नहीं, सुना था बादल फट जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं बच सकता। लेकिन वह 3-3.5 घंटे तक मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा, हमें भी बोलना नहीं है क्योंकि 48 घंटे हो गए, पसीना पसीना हो गया। अब आज आप लोग शांति के साथ सुन रहे हैं, इसके बाद क्या होगा, ऐसा ही पलटता रहेगा, ये कभी धूप और कभी छाव, ये यहाँ की रीत है। इस रीत से अच्छे ढंग से परिचित हो जाओ और आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पर जा सकते हो, किंतु उसके लिए आपके पास वह ज्ञान होना आवश्यक है। इतनी पर्याप्त है, अहिंसा परमो धर्म की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोग जिस प्रकार फोटो को चाहते हो, अपने ही फोटो की कितनी कॉपी होती है पता नहीं है, संख्या नहीं, रील भरने के बाद भी बटन दबाते ही रहते,
जितने फोटो को आप चाहते हो अपने फोटो को भी बहुत अच्छे ढंग से देखना चाहते हो, उसी प्रकार आपका दूसरा और एक फोटो है, याद है आपको, उसको भी देखने के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसा फोटो है हमेशा हमेशा के लिए आपको इन सब फोटो से दूर रखती थी। ये फोटो देते हैं तो केवल ऊपर ऊपर का है। बचपन में मान लो फोटो लिया, युवावस्था में फोटो ले लिया, प्रौढ़ावस्था में फोटो ले लिया, वृद्धावस्था में फोटो ले लिया, जाने की तैयारी हो गई उस समय में भी फोटो हो गया। अब इन सब में आप तुलना करो, आप परिवर्तित होते गए हैं, पहले की अपेक्षा दूसरे बहुत अच्छा भला लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका ढलान होगा वैसे वैसे भैया अब तो ये अच्छा नहीं लगता, दूसरा नया मिल जाए तो अच्छा है। इसलिए भगवान को कई लोग याद करते हैं, क्योंकि भगवान जहाँ भेजेंगे वहीं पर हमें ये फोटो मिलने वाला है। देखो यह परिवर्तन हो गया, किंतु जब आपका भीतर के बारे में कुछ हलचली मच जाती है उस समय क्या होता है, किसी को कहा कि आपको अभी तो कुछ नहीं है लेकिन असाध्य रोग होने वाला है, होने वाला है, इसको सुन करके ही अब ये साध्य कैसा हो जाए, इसकी चिकित्सा जल्दी हो जाए, इसके लिए सफलता मिल जाए और हम बहुत अच्छा लगेगा हमें, फिर कुछ धर्म कर्म भी हम करने लग जाएंगे, बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार से आप धर्म कर्म की ओर लग जाते हो तो अच्छा है। अब बाहरी फोटो से तो आप परिचित हो गए, जब ये रोग की बात आ गई उस समय वो कौन से फोटो लेते हैं, एक्सरे, एक्स मैंने एक्स वाई जेड होता है और रे मैंने किरण होता है, केवल किरण बोध है, उस किरण में क्या आता है, जो बाहर आता है वो कुछ भी नहीं आता, आपको लगेगा मैं हूं क्या, नहीं, यदि हूं तो यहां कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्या है वो, तो वह केवल जो रोग होने वाला है या प्रारंभ हो चुका है या कुछ सीढ़ियां चढ़ चुका है और अंतिम सीढ़ी पर आप पहुंच गए हैं, ऐसी स्थिति में वहां पर क्या दिखता है वो डॉक्टर को ही मालूम है, तो आपको कुछ नहीं है, वह आपकी एक्सरे, भीतरी एक्सरे से जैसे आपको प्यार नहीं होता बल्कि डॉक्टर की बात मानते हैं तो फिर इसमें कितना खर्च होगा, क्या होगा, सफलता मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, केवल हड्डियाँ ही दिख रही हैं, ये यही हमारा हड्डियों का ही पुतला है क्या, और यदि हमारा होता तो ये सभी लोग मिल करके इसको जलाते क्यों हैं, और यहाँ तक कि सब कार्यों के लिए मुहूर्त निकालते हैं,
सब कार्यों के लिए मुहूर्त निकालते हैं, लेकिन घर से बाहर निकालने में वह देखता भी नहीं। उसको बांध दिया गया है कफन से, और यदि बहुत बड़े सेठ हैं तो उसके लिए अंतिम यात्रा जाइए। आपका अस्तित्व क्या है, किसमें खुश हो रहे हो, किसमें प्रसन्नता, ये किसकी प्रसन्नता है? प्रसन्नता में यह बाहर का खिला हुआ मिलता है, अप्रसन्नता में यह मुरझा जाता है। और यदि बहुत ही दुख की बात होती है तो वह चिंता में डूब जाता है। ये सारे सारे आपके जो फोटो है, ये क्या कह रही हैं? ये भीतर कोई भी है, एक्स्ट्रा जो आप निकालते हैं और उसको जो बाहर से ले लिया जाता है। यदि मान लो शव है और उसकी एक्सरे उतार दिया जाए, है? क्या अंदर का बढ़त क्रम से आएगा या घटत क्रम से आएगा, ये सब ही जो है ना आपको बताना पड़ेगा। अभी आपको पूर्ण ज्ञान नहीं है। डॉक्टर लोग उसके खून की जांच करते हैं, उसकी हड्डी की जांच करते हैं, उसकी नाड़ी की जांच करते हैं। इसमें वह आत्म तत्व उपस्थित रहता है तो वह सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। खून का संचार आपका तब तक चलता है जब तक आपका श्वास चलता रहता है। श्वास के माध्यम से यह ग्रंथकारों ने कहा, यह केवल केवल शरीर की अपेक्षा से नहीं, इसका जो कुछ भी विकास क्रम है भीतर उस आत्म तत्व के द्वारा जो किया गया कर्म है, जो कल हमने कहा था आयु है, वह आयु अनेक प्रकार की होती है, उसके माध्यम से कुछ अंश में आपके भविष्य के बारे में कहा जाता है, किंतु यह अनुमानिक है अथवा यह एक प्रकार से एक के माध्यम से दूसरे का ज्ञान कराने के तरीके हैं। संतों ने इस बात को समझ करके भीतर देखते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं लगता। आपका अस्तित्व क्या है, इतना किलो मांस है, इतने किलो हड्डियां हैं, आप सुन रहे हैं क्या? नहीं, ये आपकी आपका ही पहचान बता रहा हूँ। इसमें कहीं घोल करके देख लेना तो इतना इतना रक्त है, इतने हड्डियां हैं, इतने स्नायु हैं, इतने मल हैं, इतने और हैं। इस प्रकार सब मिलने के उपरांत ये गठरी बनती है। यह आपकी पर्सनालिटी है। स्वीकारते हो आप इसको? नहीं, हम ऊपर से तो स्वीकारते हैं इसी को, लेकिन भीतरी अस्तित्व को आपके कहने से हम स्वीकार कर लें, लेकिन ये हमारा है ऐसा लगता नहीं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही ठान लो, बहुत जल्दी वैराग्य हो जाएगा आप लोगों को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री उत्तम चंद्र जैन जी नौगांव वालों की पावन स्मृति में, धर्मपत्नी श्रीमती नथी बाई जी जैन विंध्या इंजी रेवा की ओर से, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री त्रिलोक चंद्र जैन श्रीमती रानी जी
पुत्री एवं दामाद श्रीमती श्वेता जैन, श्री प्रसन्नजीत जी, पुत्री अपूर्वा, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री संजीव जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पौत्र एवं पौत्री सूर्यांश अदिति, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री राजीव, श्रीमती साधना जैन, पौत्र एवं पौत्री देवांश जैन, प्रभावना जैन, पुत्र एवं पुत्र वधु श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती रीना जैन जी, पौत्री कुमारी प्रिया जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जी, श्री अतुल जैन जी, नातिन एवं नाती मेनका जैन, परी जैन, हार्दिक जैन। फर्म विंध्य इंजीनियरिंग सर्विस सेवा, ब्रांच ऑफ विंध्य इंजीनियरिंग को सतना विंध्य इंजीनियरिंग सर्विस इंदौर।